वहीं हमीरपुर में एसिड अटैक के सनसनीखेज मामले के सामने आने के बाद पुलिस पूरे मामले की गहनता से जांच में जुटी है। हालांकि आरोपी छात्र अभी भी फरार है, जिसकी तलाश जारी है। महंगी पड़ सकती है, इसका एक साक्षात परिणाम हमीरपुर जिला के सीरियस केमिस्ट्री उपकुल में देखने को आया है, क्योंकि एक शरारती छात्र के द्वारा प्रयोगशाला में प्रयोग किए जाने वाले एसिड को तीन छात्रों के मुंह के ऊपर फेंका गया, जिसकी वजह से तीनों छात्राएं बुरी तरह से जख्मी हो गई थी। ये घटना फिलहाल शनिवार दोपहर बाद की है और इस घटना के तुरंत बाद तीनों छात्राओं को साथ लगते स्वास्थ्य केंद्र में उनका प्राथमिक उपचार करवाया गया था। उसके बाद तीनों की हालत में सुधार होने के बाद छात्राओं को घर भेज दिया गया है। हालांकि पुलिस के द्वारा भी बीच दबाव के चलते रविवार दोपहर के बाद FIR दर्ज करनी पड़ी थी। उसके बाद सुजानपुर SHO ने मौके पर जाकर स्कूल में वहाँ पे छानबीन की थी और वहाँ पे वो सैंपल भी भरे थे। इसके बाद आपको बताएं कि जो ताज़ा अपडेट है, आज सोमवार को इन तीनों छात्राओं का हमीरपुर मेडिकल कॉलेज में इनका मेडिकल करवाया जा रहा है और पुलिस ने जो FIR दर्ज की है उसके बाद पुलिस के द्वारा दोबारा से छात्राओं के बयान क्रमबद्ध किए जा रहे हैं। आपको इस बताएं कि इस दिन इन तीनों छात्राओं के अलग अलग बयान दिए जाने के बाद चलते जो पुलिस भी पूरी तरह से छानबीन में जुट चुकी है। हमीरपुर SPRGCM का कहना है कि मामले की पुलिस पूरी तरह से छानबीन कर रही है, जो आरोपी छात्र है उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। हमीरपुर से जनता टीवी के लिए जसप्रीत कुमार।